नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक बॉर इसी चैनल पे। तो दोस्तों, मुंबई इंडियंस जो कि पिछले काफी समय से काफी विवादों में घिरी है, खासकर कैप्टेंसी को लेके, रिपोर्ट्स अभी ये निकल के आ रही है कि मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट या मुंबई इंडियंस के प्लेयर बिल्कुल भी नाखुश हैं हार्दिक पांड्या से। यहां तक कि टीम के ओनर जो हैं नीता अंबानी या आकाश अंबानी, वो भी काफी नाखुश हैं हार्दिक पांड्या के एटीट्यूड से। तो ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि बीच आईपीएल में ही कप्तान वापस से रोहित शर्मा को बनाया जा सकता है। कुछ रिपोर्ट्स तो ऐसी भी आ रही है कि जो अगला मैच होगा उसी मैच में कप्तानी जो है वो रोहित शर्मा करते हुए नजर आएंगे हमें, क्योंकि जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही है उसमें लसित मलिंगा भी काफी नाखुश हैं हार्दिक पांड्या के एटीट्यूड से। जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और कई खिलाड़ी हैं जो कि हार्दिक पांड्या की कैप्टेंसी से बिल्कुल भी नाखुश हैं। तो उनको भी ये लगता है कि हार्दिक पांड्या से अच्छा रोहित शर्मा की कैप्टेंसी थी। बता दूं मैं आपको कि रोहित शर्मा का भी बयान आया है इस बीच में कि 2025 के मेगा ऑक्शन में रोहित शर्मा अपना नाम देंगे ताकि और कोई टीम खरीद के इनको अपनी टीम का कप्तान बना दे। कहा तो ये भी जा रहा है रोहित शर्मा के हवाले से कि ये चाहते हैं कि कोलकाता नाइट राइडर की कप्तानी करना। आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि होता क्या है। फिलहाल आपको मुंबई इंडियंस की टिकट बुक करनी है तो इसके बारे में अपडेट आ रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि मुंबई इंडियंस की टिकटें कब आपको बुकिंग के लिए अवेलेबल दिखाई देंगी। तो बता दूं मैं आपको, मुंबई इंडियंस पिछले बार की तरह ही इस बार भी चार फेज में अपने टिकटों की बिक्री चालू करेगी। पहले फेज में स्लाइस यूपीआई यूजर के लिए लाइनें खुलेंगी जो कि 2 अप्रैल 2024 को दोपहर के 12 बजे से स्टार्ट होगा, 4 अप्रैल 2024 को दोपहर के 12 बजे क्लोज होगा। यानी कि जो पहला फेज खुलेगा वो 48 घंटे के लिए खुलेगा, 2 तारीख को दोपहर के 12 बजे से लेके 4 तारीख को दोपहर के 12 बजे तक। सेकंड फेज की बात की जाए तो सेकंड फेज 4 अप्रैल 2024 के शुरू होगा शाम को 5 बजे। सेकंड फेज गोल्ड, सिल्वर एंड जूनियर मेंबर्स के लिए होगा, 24 घंटे के लिए दूसरा फेज खुलेगा, यानी कि 4 अप्रैल 2024 को शाम को 5 बजे से स्टार्ट होगा और 5 अप्रैल 2024 को शाम को 5 बजे इसकी लाइनें बंद कर दी जाएंगी। वहीं बात की जाए अगर थर्ड फेज की तो थर्ड फेज इनका 5 अप्रैल 2024 को शाम को 5 बजे से स्टार्ट होगा, 7 अप्रैल तक यानी कि 7 अप्रैल 2024 शाम को 5 बजे थर्ड फेज की लाइनें क्लोज की जाएंगी। ये लाइनें ब्लू मेंबर और बुक माई शो यूजर्स के लिए खुलेंगी। उसके बाद आम पब्लिक के लिए जिसके पास कुछ नहीं है, न तो गोल्ड सिल्वर मेंबर है वो, न तो कुछ है, उसके लिए यानी कि सभी पब्लिक के लिए मुंबई इंडियंस की टिकट लाइन 7 अप्रैल 2024 को शाम को 5 बजे से लाइनें खोल दी जाएंगी। तो इस तरह से चार फेज में लाइनें खुलेंगी। पहला 2 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल के बीच में, दूसरा फेज 4 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल के बीच में, तीसरा फेज 5 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल के बीच में और अंतिम जो फेज है वो 7 अप्रैल से शुरू होगा। इसकी टिकटें आपको बुक माई शो पे बुकिंग के लिए दिखाई देंगी। बुक माई शो के अलावा आपको और कहीं टिकट नहीं मिलेगी मुंबई इंडियंस की। तो अगर आपको टिकट बुक करनी है मुंबई इंडियंस की तो दिन तारीख मैंने बता दिया है, उस दिन जाके अपने टिकट को आप बुक कर सकते हैं बहुत आसानी से। बाकी और तमाम आईपीएल से रिलेटेड खबरों के लिए बने रहिए आप मेरे साथ में।